जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, वेलकम टू राधा कृष्ण किचन। और अभी देखो कृष्णा के पापा वहाँ से आ रहे हैं बाइक पर, वो बहुत ऊपर की ओर है और अभी आ जाएंगे नीचे। अब वो बहुत धीरे से आना पड़ता है और अभी मुझे भी लिफ्ट दे दी और हम दोनों अभी जा रहे हैं हमारे भाई के फार्म पर। और वहाँ पे उन्होंने न्यू काउ लिए, उसे देखना था और आज उसका मिल्किंग भी करना है। तो ये उसका गाय का ये वास्त्रु बोलते हैं हम लोग इसे, ये बहुत क्यूट है, पूरा ब्लैक एंड व्हाइट, व्हाइट ज़्यादा है और ब्लैक थोड़ा सा है। और उसको अभी यहाँ की आदत नहीं है। और अभी ये काऊ उन्होंने 71 के में लिए और बहुत अच्छी है, तो मुझे उसे देखना था इसीलिए आज हम यहाँ पर आ गए और यहाँ पर उसे दूध पिला रहे अभी और उसके बाद मिल्किंग करेंगे। और ये देखो अपने काऊ अपने बछड़े से कितना प्यार करती है, जैसे कि हर एक माँ अपने बच्चों से प्यार करती है वैसी तरह से जानवर भी अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। फिर बस वो बात नहीं कर सकते, नहीं तो जो फीलिंग्स हम लोगों में होती है वही फीलिंग्स जानवरों में भी होती है। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस लिया है, मैंने खुद महसूस किया है, क्योंकि हम लोगों से भी ज़्यादा उन लोगों में फीलिंग्स होते बट वो दिखा नहीं सकते अपने फीलिंग्स। और हम लोग फीलिंग्स कम और दिखावा ज़्यादा करते हैं। मैंने देखा है कि ये लोग होते हैं ना, बहुत ज़्यादा दिखावा करते हैं फीलिंग्स के नाम पे। बस तुम्हें बस, और ये जानवर दिखाते नहीं है, बस महसूस होते हैं और जो महसूस हो जाए वही प्यार होता है। इसके बदले में कुछ भी लेना देना कुछ भी नहीं होता, बस प्यार प्यार होता है। और देखो इन दोनों में कितना प्यार प्यार है, अपनापन है। और अभी इसको और ज़्यादा दूध पीना है, मैं मिल्किंग करने के बाद फिर से उसे छोड़ दूँगी। अभी मिल्किंग कर लेते हैं, आप रियल मिल्किंग की साउंड सुनो। लेकिन ये काऊ है ना, मैं फर्स्ट टाइम मिल्किंग कर रही हूँ और हमारे यहाँ पे इसे पहली बार लाए, इसका मिल्किंग बहुत ज़्यादा हार्ड है और उसके स्तन भी बहुत छोटे छोटे जो हाथों से फिसलते जा रहे थे। और ये सॉफ्ट बिल्कुल भी नहीं है, मतलब इस तरह के से काऊ मैंने पहले कभी मिल्किंग नहीं की है, ये बहुत ज़्यादा हार्ड है। और मिल्किंग से तो अभी मेरे हाथ में बहुत दर्द होने वाला है, ये तो बहुत हार्ड है। मेरे हाथ में बहुत पेन हो रहा था, फिर भी मैं करती जा रही थी, मुझे आ भी नहीं रहा था, लेकिन मेरे हाथ में अभी बहुत ज़्यादा पेन हो गया, फिर मैंने छोड़ दिया। और फिर राहुल और हमारे चले, उन्होंने दोनों ने फटाफट से मिल्किंग कर लिया और ये दोनों बहुत फास्टर है मिल्किंग करने में। लेकिन आज देखो इनकी धार भी बहुत तेज़ नहीं लग रही है, लेकिन ये मिल्क में बहुत अच्छी है, मतलब कि सुबह शाम मिलके 22 लीटर दूध देती है। तो अभी मिल्किंग ख़त्म करेंगे और बाद में हम आपको हमारे बहुत सारे काम हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे। इधर मिल्किंग हो रहा है, दूसरे काऊ को पानी पी रही है और बाद में हम यहाँ पर हमारे दूसरे लोग सब बैठे हुए, बहुत अच्छा सा माहौल है। अभी कुछ ही दिन में जब बारिश हो जाएंगी तो यहाँ पूरा कीचड़ भर जाएगा। और आप लोग बोलते हैं कि ये काऊ को धोते नहीं हो, हम लोग धोते हैं इसे, पर ये सीमेंट के ऊपर बैठते हैं ना तो हर दिन वो ख़राब ही हो जाते हैं, इसी वजह से वो उनको गोबर लगा हुआ दिखाई देता है। हम यदि उनको धोएंगे नहीं तो बहुत उनकी स्किन ख़राब हो जाएगी, क्योंकि वो सीमेंट है ना, मिट्टी पे नहीं बैठते तो तुरंत ख़राब होती है। अभी मिल्किंग देखो पूरी बाल्टी भर चुकी है और बाद में मैंने उनको दूसरा बर्तन भी दिया है दूध निकालने के लिए, मतलब कि ये एक टाइम पर
10 से 12 लीटर दूध देती है। अब पूरे कैन हमारी भर चुकी है और अभी इसे लेकर राहुल डेयरी पे डालने जा रहा है। और हम लोगों को ये दूध का रेट पर लीटर गवर्नमेंट डेयरी है तो बस 25 से 30 लीटर तक ही दूध पड़ता है, कभी कम ज़्यादा होता है। अभी उनको खाद खिलाते हैं, ये भरा है और उसमें ढेप भी डाली हुई है मूँगफली की, और अभी उन दोनों को हम उनको खिलाने के दे ताकि वो बहुत अच्छे से दूध देती है फिर। और जो दूध देती है उनको एक्स्ट्रा एनर्जी और अच्छे खाने की ज़रूरत होती है तो उनको दे देते हैं फटाफट से। और अभी ये सारे काउस को हम रख देंगे एक एक करके इसी तरह से। और सबको रख दिया है, बस अभी ये बफेलो बाकी है। और ये जब भी खाना लेके जाओ ना तो बहुत सताती है मुझे और बीच बीच में अड़क रही है। और जो हमारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं बफेलो के काऊ के, उनको हम कैडबरी की तरह ये ढेप खिलाते हैं, हमें बहुत पसंद है। बच्चों के पास भी हम जब भी जाते हैं उनको भी कैडबरी खिलाते हैं, और इन छोटा लोगों के भी पास आते हैं तो इनको ढेप खिलाते हैं। जो उनको पसंद है उसे को हम देने में बहुत अच्छा लगता है। और ये बहुत छोटा है अभी तो इसे थोड़ा थोड़ा देते हैं, और इन लोगों को थोड़ा और दे देते हैं ताकि वो बहुत जल्दी से अच्छे मोटे मोटे हो जाए और बहुत जल्दी से मिल्किंग इनकी भी स्टार्ट करें हम, क्योंकि अभी ये कुछ ही दिनों, अभी बहुत छोटे हैं लेकिन दिखते बड़े हैं, क्योंकि हम लोग इनका खाने पीने का बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है। और अभी इनके मैं हमेशा बोलती हूँ कि मुझे सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करना एनिमल्स में लगता है। और उसके बाद ये अभी हमने गोबर के फफोले डाले थे, और अभी बारिश के दिन बहुत नज़दीक आ चुके हैं, थोड़ी बहुत बारिश शुरू भी हुई है तो इसे सुखा कर स्टोर करना है, इसीलिए इसे थोड़ा उलट पलट के जल्दी सुखा लेते हैं ताकि इसे अच्छे से ड्राई करके स्टोर कर रहे। वो देखो साइड में हमने बहुत सारे बना के रखे थे पहले, और इसको मैंने पहले भी डाला था कमेंट, तो वहाँ पे कमेंट्स आए कि गोबर रोटी, हम लोगों को बहुत हंसी आई थी गोबर रोटी सुन के। तो ये चूल्हे के लिए काम आते हैं, बहुत सारे काम होते हैं जो इनके। अभी इन सबको मैं पलट दे रही हूँ ताकि वो बहुत जल्दी सूख जाए, और सूखने के बाद इनको जल्दी से स्टोर कर रखे, क्योंकि अभी जून स्टार्ट होने ही वाला है तो कोई बारिश के मुगल दिन सियांगा कुड़े सर आते पर हमारा है हो तो भाई से बहुत तार जल्दी दिया जल्दी सारे काम निपटाने उन्होंने। हैं। आज बहुत तेज हवा भी चल रही थी, बहुत अच्छा सा माहौल है गांव में, तो कोई लॉकडाउन वगैरह है नहीं, बहुत मज़े से सब अपने अपने काम कर रहे। और आपको पता है लॉकडाउन का नाम भी नहीं है कुछ, क्योंकि किसी को भी अपने काम से गुजराती फुर्सत ही गुजराती नहीं है लॉकडाउन और कोरोना के बारे में सोचने के लिए, इतने सारे काम है खेतों में। और अभी जब रेन स्टार्ट हो जाएगा ना उससे पहले सारे काम ख़त्म करने, और फटाफट से ये देखो इसको सुखा के रखा था, अभी इसको सब को एक जगह पे हम स्टोर करेंगे। और काम तो हो गया, अभी बच्चों के साथ बारी खेलना है और इनको हमारे साथ या खेलने में पत्र बहुत और मज़ा आता है और मुझे उनके साथ। तो अभी हम यहाँ पे खेल रहे थे, ये अदिति की नंबर है अभी तो वो मार रही थी, लेकिन उससे वो गिर ही नहीं रहे थे क्योंकि ये पत्थर फर्श के टुकड़े थे तो जो, और देखो कितनी स्टाइल मार रही है फिर भी उससे गिरा नहीं तो कृष्णा को बहुत खुशी होती है जब कोई हार जाता है तो। और अभी देखो मैं बहुत नेम लगाती हूँ अच्छे से, लेकिन वो भी नहीं तो उसको बहुत हंसी आई और नाचने भी लगा। अभी सेकंड टाइम में तो मैं गिरा ही दूंगी सोच के मैंने मारा, लेकिन जो हम मार रहे हैं वो उसमें कुछ है ही नहीं भारी तो वो गिरते ही नहीं। अभी मैंने गिरा तो दिया लेकिन मेरे से लगाने नहीं गए तो मैं आउट हो गई। फिर अभी कृष्णा की नंबर। इसी तरह से हम हमारे काम निपट कर हमारे घर के आंगन में ही खेलते और बचपन की यादें भी ताज़ा कर लेते हैं, जो
इनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो। और ये हम आपको वीडियो के लिए नहीं बना रहे, तो हम रोज़ ही इससे बहुत ज़्यादा खेलते, जब भी हम में होते हैं या इमें भी होते हैं तो हम लोग। और बहुत सारा खेलने के बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे हमारी मूंगफली निकालने लायक हुई या नहीं, पता नहीं इस साल क्या हुआ, लेकिन इसी तरह से वो पौधे ख़राब हो रहे थे। और अभी कृष्णा भी उखाड़ के देख रहा था, और ये देखो पूरे सूख रहे, और इसी तरह से सूखने वाले पौधे हम आज उखाड़ के देखते हैं क्या उसके नीचे कुछ गया नहीं, पता नहीं। शुरू से इसमें इस बार प्रॉब्लम भी आ रही थी, हमने बहुत केयर किया इसका, लेकिन फिर भी पता नहीं अभी कैसे निकलेंगे। और कृष्णा जोर लगा के खींच रहा था और उसमें कुछ भी मूँगफली निकली नहीं, सब हंस रहे थे उसके ऊपर। अभी ये देखो इसी तरह से पूरे ख़राब हो रहे हो, लेकिन उस पर मूँगफली तो है, लेकिन ये निकालने लायक भी नहीं अभी। और दोनों में झगड़ा चलता ही रहता है, जैसे कि टॉम एंड जेरी है ना कार्टून, कि दोनों एक दूसरे के बिना रहते नहीं और साथ में रहते तो लड़ते झगड़ते, उसी तरह कृष्णा अदिति का है, बचपन से साथ रहते हैं फिर भी जमता नहीं, और एक दूसरे के बिना उनको रहा भी नहीं जाता। और ये कुछ अच्छी पकी हुई मूंगफली तो निकल रही है यहाँ पे, देखा ना आपने कार्टून जैसे दोनों एक साथ ही एक ही पौधे पे गए, इतने सारे पौधे पड़े हुए फिर भी वो एक ही पौधे को उखाड़ने गए। और अभी बहुत सारे हैं जो सूखे हुए उसे निकाल लेते हैं और बाकी का बाद में सोचेंगे। और अभी ये अच्छी पकी हुई भी है उसकी, तो ये देखो इसी तरह से सूख रहे, पता नहीं इस बार क्या हो गया है, लेकिन शायद धूप काल की है इसी वजह से। तो अभी इसे निकाल लेते हैं फटाफट से, जो सूखे हुए जो हरे हरे उसे थोड़ा अभी रहने देते हैं, कुछ दिनों के बाद निकालेंगे उसको। लेकिन यहाँ नीचे मतलब दोनों ओर से बहुत लंबा है ना, तो जहाँ से हम पानी भरते हैं वहाँ पे पक गए अच्छे से, और ये नीचे की ओर से थोड़ा टाइम लेंगे, तो पहले उसको उखाड़ लेंगे फिर बाद में इसे। और यहाँ पे एक टमाटर का पौधा था और उसको बहुत सारे टमाटर लगे हुए थे, लेकिन अभी वो थोड़ा सूख गया तो इसलिए कम। और अभी ये टमाटर भी घर की ओर लेके चलते हैं, अदिति ने तोड़ लिए उसे, और अदिति कोशिश कर रही है उखाड़ने की, और जिसके मूंगफली जो उखाड़ता है और उसे ज़्यादा निकलती है तो उसे बहुत खुशी होती है। तो मैंने बहुत सारे उखाड़ लिए, अभी इसको लेकर चलते हैं बाहर, और इसकी मूँगफली खाते खाते बहुत टाइम पास भी हो जाएगा। यहाँ पर सभी निकालने को आ गए, मैंने बोला था ना जहाँ से हम पानी भरते हैं स्टार्टिंग में, तो यहाँ पे बहुत अच्छे से आ गए। अभी ये उखाड़ कौन सा भी निकालो यहाँ पे बहुत सही से बना है, और बहुत सारी मूँगफली इस पर, और जो नीचे के उसको अच्छी नहीं लगी, तो ये देखो कितने सारे मूँगफली यहाँ पे, तो इसको एक दिन पूरा निकाल लेंगे। अभी थोड़ा थोड़ा ले लिया हम लोगों ने टाइम पास के लिए। यदि आपको हमारे फार्मिंग के वीडियोस अच्छे लगते हो तो प्लीज़ लाइक, और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूले। हम ऐसे ही आपके लिए बहुत सारे वीडियोस बनाते रहेंगे, वीडियोस नहीं बनाते हम, जो भी काम करते हैं वही आपके साथ शेयर करते हैं। और हमने जेसीपी को बुलाया था, वो भी आ चुका है, अभी उधर भी जाना है, तो पापा निकल पड़े और हम लोग भी वही जाएंगे। अभी मूंगफली खाने का प्रोग्राम पोस्टपोन हो गया, अभी इसको रात को खाएंगे खाने के बाद या कुछ देर बाद, क्योंकि अभी वो जेसीपी मैंने बोला ना घंटों पे लाते हैं तो उसका किराया बढ़ता है, रेंट पे है वो, एक घंटे का 1000 रुपये लेता है, तो उसके लिए उसे बिल्कुल भी हम टाइम वेस्ट नहीं होने देते, फटाफट से उससे काम करा लेते हैं और बाद में बाकी काम। तो मैंने आपसे बहुत रिक्वेस्ट करती हूँ मैं आपसे, कि आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हो तो प्लीज़ लाइक, और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में शेयर ज़रूर करना। हम फिर ऐसे ही बहुत अच्छे वीडियो के साथ आपसे मिलने ज़रूर आएंगे, तब तक के लिए राधे राधे। पार गाला ला।